हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फूडी मूडी। मैं हूं परी और आज की रेसिपी है पत्ते गोभी की भुंजिया। ये बहुत ही यमी लगता है खाने में, तो आइए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। पत्ते गोभी की भुंजिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया है। इसमें हमने 2 बड़े चम्मच के बराबर तेल डाला है। ये हमने सरसों का तेल लिया है। तेल को हमने गर्म होने दिया है। इसके बाद हमने इसमें प्याज डाला है, हरी मिर्च, और ये है कलौंजी आधी चम्मच। आधी चम्मच हमने डाला है अजवाइन। मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। इसे रेड कलर होने तक हम इसे अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। इसमें हम डालेंगे पत्ते गोभी छोटे पीस में कटा हुआ। पत्ते गोभी को हमने अच्छे से पानी से धोकर इसे छोटे पीस में काट लिया है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपको पत्ते गोभी को काट लेना है। अब हम इसे चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे, फ्राई करेंगे। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हमने डाला है हल्दी आधी चम्मच, और आधी चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, आधी चम्मच डालेंगे गरम मसाला पाउडर, और इन सभी मसालों को अच्छे से हम चला लेंगे। और गोभी के पत्ते के साथ इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। भुजिया को अच्छे से चलाते हुए रेड कलर होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जब गोभी फ्राई करें तो गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, और ऊपर से हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं डाली हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च डाल रखा है। अब इसे ढक देंगे और थोड़ी देर हम इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। गोभी को अच्छे से हमें 3 मिनट तक पका लेना है। तो देख सकते हैं 3 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाकर चेक किया है, तो यहाँ पे देखिए गोभी के पत्ते अच्छे से पकना स्टार्ट हो गया है, बट ये अभी पूरी तरीके से नहीं पका है। तो थोड़ी देर अभी हम इसे और पकाएंगे। पूरी तरीके से जब पत्ते की गोभी पक जाए तब तक हम इसे चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो अभी लगभग 2 मिनट तक हम इसे चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। तो हमने यहाँ पे गोभी को कट करके चेक किया है, तो पत्ते की गोभी अच्छे से पक गया है। और देख सकते हैं इसका कलर भी कितना चेंज हो गया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे पत्ते की गोभी भुजिया अच्छे से बन के रेडी हो गया है। तो आप इस भुजिया को किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। आप इसे रोटी, पराठे, पूरी, दाल, चावल किसी भी चीज़ के साथ खाएँ। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है खाने में, और बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है, और ये भुजिया झटपट बन के रेडी भी हो जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होता है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई, आज की रेसिपी आपको पसंद आई, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।